रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कोरोना महामारी के दौरान नियमों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप लगाया है। अभिषेक ठाकुर ने बताया कि कई बार कॉलेज प्रशासन के ध्यान में समस्याओं को लाया जा चुका है, लेकिन आज तक समस्याओं का हल नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमीरपुर से एक मरीज टांडा में पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के साथ स्टाफ को क्वारंटीन नहीं किया गया था, जिससे अस्पताल में समस्या बन सकती है। साथ ही प्राइमरी कॉन्टैक्ट के बच्चों का उपचार भी डॉक्टरों ने किया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन लापरवाह बनते हुए मूक दर्शक बना हुआ है। एसोसिएशन के नोटिस में लाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से, डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी की तरफ से, कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पेशेंट ऑपरेट हुआ थे और वो टांडा में जाके पॉजिटिव हो गए थे। तो उसके बाद जो है वो सिलेक्टिव क्वारंटाइन किए गए, कुछ डॉक्टर्स किए गए क्वारंटाइन, कुछ डॉक्टर्स क्वारंटाइन नहीं किए गए, नर्सेज क्वारंटाइन नहीं की गई, और इस तरह से बहुत बड़े जो मैं कहता हूँ एक खतरा जो है मोल लिया है, क्योंकि ये जो लचर व्यवस्था है उसके कारण काफ़ी एक खतरा जो है वो अब हॉस्पिटल पे मैं मंडराता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि कुछ जो पॉजिटिव पेशेंट आए थे उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट नहीं किया गया, कोई जिस तरह से पॉलिसी या उस हिसाब से आपको ऑपरेशन थिएटर सील करना चाहिए था तो वो टाइम पे आपने नहीं किया। प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो बच्चों को देखते रहे, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के बच्चों को देख रहे हैं। तो इस तरह से जो ये लचर व्यवस्था है, मैं इस पर ध्यान लाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही लाइट वेन में इस तरह से इस कोविड को लिया जा रहा है हॉस्पिटल में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोरोना वॉरियर्स से इस तरह से नहीं कर सकते, उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए, जो सजेशंस वो देते हैं आपको उनको आगे टेकअप करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एमएस को लिखा भी था कि हमें क्वारंटाइन ही किया जाए, पर आई थिंक उन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया और वो भी अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया जा रहा है। डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेताया है कि अगर मांगों पर गौर नहीं की गई तो आगामी दिनों में पेन डाउन हड़ताल पर भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे। डॉक्टरों ने कोविड की मिसमैनेजमेंट के अलावा पार्किंग समस्या, शौचालयों की समस्याओं को दूर करने के लिए दो दिनों से काले बिल्ले लगाकर काम निपटाया जा रहा है। डॉक्टर्स के ड्यूटी रूम का आप हाल देख लीजिए, मतलब इतना गंदा और जर्जर स्थिति में वो ड्यूटी रूम है। एक बाथरूम करने की, दो तीन साल से फीमेल्स डॉक्टर्स को एक बाथरूम करने की जगह नहीं है, तो मतलब इतनी स्थिति खराब है। हम कई बार बोल चुके हैं, प्रिंसिपल साहब के बाद में भी नोटिस ला चुके हैं। एक हमारी पार्किंग की समस्या थी, एम एस साहब जहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे और भी कुछ स्टाफ रहता है, वहाँ पे उन्होंने लॉक चेन के साथ ताला लगा दिया कि बोले कि वहाँ पे कोई और डॉक्टर जो है वो गाड़ी पार्क नहीं करेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें काम करने से थोड़ा हतोत्साहित करते हैं। हम इतने जोश से इस काम को कर रहे हैं, इस जोश से हम इस कोरोना टाइम्स में अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, चाहे हमारे 10 दिन ड्यूटी लगाइए चाहे महीना ड्यूटी लगाइए, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस तरह से जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो डॉक्टर्स को वो हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ इसके बारे में किया जाए और जो पार्किंग डॉक्टर्स की है उसको रिस्टोर किया जाए। मुश्किल होती है लोगों को, इतनी दूर दो लोगों के रोज चलान हो रहे हैं, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, बस आश्वासन दिए जा रहे हैं हम। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के दौरान डॉक्टरों को पेश आ रही समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में डॉक्टरों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके लिए जल्द कॉलेज प्रशासन डॉक्टरों की मांगों को पूरा करे। जो डिस्कस करके वर्किंग कमेटी के साथ जो हमारा एसोसिएशन है, हम अभी 2 दिन से ब्लैक बैच पहन रहे हैं, पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से ये कोई पूछना है हमारे लिए नहीं आया है कि आप क्यों पहन रहे हैं और इसको थोड़ा सुलझा लेते हैं, कोई फौरी राहत जो बोलते हैं कि वो उस तरह से हमें नहीं मिली। पार्किंग भी बंद है, वो फीमेल डॉक्टर बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। एक वॉशरूम की समस्या भी नहीं है, एक ड्यूटी रूम की समस्या है, ऊपर से ये कोविड की मिसमैनेजमेंट हो रही है। इस तरह से मैं तो इसे बहुत एक खतरे के रूप में देख रहा हूँ। मैं होप करता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स पॉजिटिव ना आए, पर अगर ऐसा आ गया तो एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें काफ़ी मैं उनको जिम्मेवार मानूंगा।